Hello, dear students. Welcome back once again in this session of JK, SSB, je Mechanical. More medical, he kaha hai ki yeh jo subject. It is common for all the branches, whether mechanical, civil, electrical, from the engineering point of view. Over this, these lectures are very important from every examination point of view. Moreover, I am teaching it from the point of जे के एस एस बी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ एंड आई होप यू गाइज विल बी एन्जॉइंग दिस सीरीज़ और मैं मैंने दो तीन लेक्चर जो है वो प्रपेयर करके रखे और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मैं उनको एडि, उनको बाद में एडिट करना पड़ता है एडिट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैं हर रोज़ दो से तीन लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट दिस फ्लोड मैकेनिक विदिन फोर फाइव डेज बिकॉज सेलेबस इज लेंगे एज यू ऑल ऑफ नो दैट इज दिस सेलेबस इज वेरी लेंग्थी इट इज वेरी वर्स्ट बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ वेरी बेस्ट टू मेक इट सिंपल सो लेट एस मूव टुवर्ड्स अवर ओन टॉपिक कल क्या पढ़ा हमने कल हमने पढ़ा प्रशर नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लोड बहुत सारी टर्म्स हमने कल पढ़ी ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा फ्लूड एट द रेस्ट कि जो भी फ्लूड रेस्ट में होता है उसमें उसमें किसी भी कंपोनेंट चाहे स्पेस कोऑर्डिनेट हो या विद टाइम हो फ्यूड मोशन नहीं करता वो जीरो के बराबर होता है और क्या पढ़ा हमने कल यही फ्लूड स्टैटिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सल्यूट प्रेशर एबसल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर एब्सलूट प्रेशर गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रेशर जो है ये जनरेट कैसे होता है चाहे गैस हो या चाहे लिक्विड हो ये जनरेट कैसे होता है हम सबसे पहले यही जानेंगे कि ये प्रेशर जो है ये जनरेट कैसे होता है वेदर इट इज गैस चाहे गैस हो या कोई लिक्विड हो उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं सॉलिड से ज्यादा मूव किसमें करता है लिक्विड में लिक्विड से भी ज्यादा किसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं गैस में क्यों सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो डेंसली पैकेड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स है वो मूव तो करते हैं थोड़ा सा लेकिन गैस की तरह बहुत ज्यादा मूव नहीं करते फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक फिलुड ले लिया चाहे फ्लूड लेंगे हम या गैस लेंगे इनके पार्टिकल्स ये इनके पार्टिकल्स है क्या है ये पार्टिकल्स जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं एक ऊपर से नीचे इस तरह से ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और फिर इस सरफेस के साथ भी टकराते हैं इस सरफेस के साथ भी टकराते हैं ये और इससे क्या हो जाता है इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है जब वो इस सरफेस के साथ टकराती है उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है इन इन मोशन, मोशन जब ये में होते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होते हैं जब यही पार्टिकल्स इसके साथ टकराते हैं इसके साथ टकराते हैं तो इनका मोमेंटम जो होता है वो चेंज हो जाता है एंड दस एट ए पर्टिकुलर एरिया जिस पॉइंट भी जिस पॉइंट पे ये इस सरफे सरफेस के साथ टकराते हैं या इस एरिया जिस एरिया पे ये सभी पार्टिकल ये यहां पे टकराया ये पार्टिकल यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल टकराते हैं और ये जो एरिया है इस एरिया पे जब ये टकराते हैं दे एग्ज ए पर्टिकुलर फोर्स क्यों जब लगातार लगातार कोलाइड करेंगे बहुत सारे बहुत सारे इनके मॉलिक्यूल्स इनके पार्टिकल्स लगातार इस पर क्या करेंगे कोलाइड करेंगे सरफेस के साथ तो एरिया या एक प्रेशर तो जनरेट होगा ही इट इज कॉमन सेंस सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फोर्स और फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर वही होता है प्रेशर कितना फोर्स लगा इस पे डिवाइडेड बाय टोटल एरिया टोटल एरिया में से इसका कितना फोर्स लगा उसको बोलते हैं प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इस एक पार्टिकल का कितना फोर्स लगा इस पे इस टोटल एरिया में फोर्स पर यूनिट एरिया सॉरी एक यूनिट एरिया में नॉट टोटल ये यूनिट एरिया है यूनिट एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस फोर्स का फोर्स पर यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया यह पूरा एरिया नहीं एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर क्या बोलते हैं प्रेशर और अब हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है अगर हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं इफ वी आर प्रेजेंट एट अ प्लेस उस जगह पे होंगे अगर हम किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां पे लाइट चली गई थी तो इसलिए इसको पॉज करना पड़ा थोड़ा सा तो अब हम क्या जानेंगे व्हाट इज़ एब्सलूट प्रेशर हमने प्रेशर जाना कि प्रेशर क्या होता है अब हम जाएंगे अगर हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे न कोई फ्लूड होगा या कोई भी मीडियम नहीं होगा किसी भी किस्म का फ्लूड नहीं होगा जब किसी जगह पे टोटली फ्लूड नहीं होगा तो वहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं होगा जो क्या करेगा कोलाइड करेगा किसी सरफेस के साथ वहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं होगा जब पार्टिकल ही नहीं होगा तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाएगा उसका मतलब प्रेशर क्या होगा ज़ीरो उसको बोलते हैं एब्सलूट प्रेशर जहाँ पे किसी भी मीडियम में किसी भी सूरत में कोई भी फोर कोई भी फ्लूड मीडियम फ्लूड या फ्लूड मीडियम प्रेजेंट ना हो जो फ्लूड क्या जिस फ्लूड के पार्टिकल्स फिर क्या करते थे लाइट करते थे सरफेस के साथ और प्रेशर जनरेट करते थे लेकिन जब फिलूड अवेलेबल है ही नहीं तो प्रेशर किसके बराबर आएगा जीरो उसी को बोलते हैं सॉरी बिलो द एटमोस्फियर वो थोड़ा सा एटमोस्फियर जो होता है उससे नीचे ही होता है आउटर स्पेस जो होता है उसमें कोई भी फ्लूड मीडियम नहीं होता है मैं आपको इस ये एक इस इस डायग्राम से इस फिगर से आपको समझाता हूं ये पूरी सब की सब टर्म्स जो भी है यहां पे और क्या पढ़ रहे थे हम अब क्या कहा मैंने कि एब्सलूट प्रेशर जो होता है वो आउटर स्पेस में रहता है जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है फ्लूड का कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता है एब्सलूट प्रेशर इज मेजर्ड विद रेफरेंस ऑफ एब्सलूट जीरो प्रेशर एब एबो इट एब्सलूट प्रेशर जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं हम एक रेफरेंस लेते हैं एबसलूट जीरो प्रेशर एब्सलूट जीरो प्रेशर हम रेफरेंस लेते हैं और उसके एबो उसके ऊपर से मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक रेफरेंस लेते हैं यहां पे आप यहां पे देखो यहां पे क्या है एक रेफरेंस लेता हूं प्रेशर क्या, क्या होता है इसके ऊपर से होता है एबसलूट प्रेशर फॉर एग्जाम्पल अब और मैं यहां पे आपको समझाऊंगा इस डायग्राम में आप देखिए इस डायग्राम में जो यहां पे मैं मैंने स्टार मारा यहां पे देखो आप यहां पे ये यह जो लाइन है ये क्या है एबसलूट जीरो प्रेशर यहां पे दोनों जीरो होते हैं जीरो कमा जीरो क्या होता है दोनों जीरो होते हैं जीरो कमा जीरो दोनों होते हैं इसलिए ये लाइन क्या है एब्सोलूट जीरो प्रेशर इसके ऊपर से जो ये है मैंने यहां कहा अभी इट इज मेजर्ड विद रेफरेंस ये हम कैसे मेजर करते हैं हमें इसके लिए रेफरेंस लेते लेना होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यहां पे हमें रेफरेंस लेता हो, लेना होता है और उसके ऊपर से उसी के ऊपर से जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर दूसरा क्या है यहां पे गेज प्रेशर गेज प्रेशर सॉरी गेज प्रेशर गेज प्रेशर पहले मैं इसको रब करता हूं यहां पर उसके बाद हम पढ़ेंगे गेज प्रेशर पहले हम इसको रब करेंगे गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड मेजोर्ड द एटमोस्फेयर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एटमोस्फियर है क्या है एटमोस्फिर प्रेशर यहां पे क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर और इसके ऊपर से आप खुद देख सकते हैं इट इज मेजोर्ड यहां से यहां तक मैंने क्या किया इसके ऊपर से मतलब इसके ऊपर से क्या है गेज प्रेशर और इसके नीचे से क्या है वैक्यूम प्रेशर क्या कहा मैंने गेज प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं हम उसके लिए रेफरेंस क्या लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं गेज प्रेशर क्या बोलते हैं गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर वैक्यूम प्रेशर कहां पे होता है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मगर एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है उससे

एबो दी एबोदोलूट जीरो प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं प्रेशर ये सिर्फ यहां तक ही नहीं होगा ये ऊपर जितना भी हम ऊपर जाएंगे ये होता रहेगा प्रेशर अगर आप देखोगे ये किसके बराबर है आप यहां पे चेक कीजिए एब्सुलट प्रेशर ये है एबसुलट प्रेशर यहां से यहां तक क्या है प्रेशर प्लस गेज प्रेशर यहां से यहां तक क्या है एटमोस यहां, यहां तक क्या है एटमोस्फिर प्रेशर और यहाँ से यहाँ तक क्या है गेज प्रेशर ये टो ये टोटल कूल मिला के क्या बनाते हैं एब्सलूट प्रेशर क्या बनाते हैं एब्सलूट प्रेशर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में विच ऑफ गेज प्रेशर इज मेजर्ड बिलो द एब्सलूट जीरो प्रेशर एबो द एब्सलूट जीरो प्रेशर एबो द वैक्यूम बिलो द वैक्यूम दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं अब आपको समझा गया एब्सलूट प्रेशर यहां से यहां तक क्या होता है एटमोस्फिर सॉरी यहां से यहां तक क्या होता है हाँ एटमोस्फीयर प्रेशर यहां से यहां तक क्या होता है गेज प्रेशर इनको मिलाकर क्या बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर तो क्या आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर अब इसके बाद पढ़ते हैं हम वैक्यूम प्रेशर आप खुद देख सकते हैं वैक्यूम प्रेशर क्या होता है बिलो द एटमोस्फिर प्रेशर गेज प्रेशर एबो द एटमोसफियर प्रेशर अगर हमें पूछा जाएगा वैक्यूम प्रेशर किसके बराबर होता है हमें मतलब ये जो छोटा सा टर्म है ये निकालना है हमें वैक्यूम प्रेशर इसके लिए क्या करूंगा टोटल एटमोस्फिर प्रेशर यहां से यहां तक कितना है एटमोस्फेर इसमें से मैं क्या निकालूंगा बाहर इसमें से मैं यह पोर्शन बाहर निकालूंगा एब्स्यूट प्रेशर का इसमें मैं क्या निकालूंगा बाहर इस एबसडूट प्रेशर का यह पोर्शन बाहर निकालूंगा और वहां से क्या बचेगा यह वैक्यूम प्रेशर क्या बचेगा हमारे पास वैक्यूम प्रेशर एटमोस्फिर प्रेशर मैं से बाहर निकालूंगा यह पोर्शन तो यहां पे यह बचेगा दिस इज द वैक्यूम प्रेशर उसके बाद है पास लॉ पास लॉ जो है इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है वो नहीं आएगी एग्जाम में कि लेकिन उसकी जो इक्वेशन है बस वही आ सकता है एग्जाम में वही एक आ सकता है आपको पास्कल लॉ या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूड ये क्या याद रखना हमें स्टैटिक फ्लूड इंपॉर्टेंट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूड वो फ्लूड जो रेस्ट में हो इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शनज जो भी स्टैटिक फ्लूड में प्रेशर होता है वो बराबर होता है हर जगह एवरी पॉइंट पे इसके लिए इक्वेशन जो है वो इस ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ जड प्रशर एट एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई इज इक्वल टू प्रेशर एट जेड मतलब प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन चाहे एक्स एक्सीज में या वाई एक्सीज में या जड एक्सीज में फ्लूड क्या है यहाँ पर यह रेस्ट में है ये फ्लूड इसलिए इसमें कोई मोशन नहीं है इस फ्लूड में अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे इन चीजों को याद रखना है कि ये आ सकता है प्रेशर एट पॉइंट इन स्टैटिक इज़ इक्वल इन डायरेक्शन इज़ लॉ गिवन बाय बहुत बहुत सारे सारे न्यूटन पास्कल दिए जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर डीलर्स विद ये किसके साथ डील करता है ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर प्रेशर क्या कर ये किसके साथ डील करता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, के साथ. Pressure, exiting on, exiting on fluid, जो बाहर का प्रेशर है ट्रांसमिट हो जाता है बाहर का एटमोस्फिर प्रेशर जो ट्रांसमिट हो जाता है इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आर द मॉस ऑफ द फ्लूड तो क्या कहने जा रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बाकेट लिया मैंने यहां पे मैंने क्या लिया यहां पे मैंने पानी लिया इसमें यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया पी ऑफ ए क्या किया मैंने यहां पे कंसिडर पी ऑफ ए सॉरी यहां मैंने एक कंसिडर पॉइंट क्या ए क्या कहते हैं ये मेरे पास यहां एक पॉइंट है ए इसमें वाटर है और मैं यहां पे कंसीडर करूंगा सिर्फ एक पॉइंट ई e, क्या कहते हैं इसको e? जब मैं इसके ऊपर एक प्रेशर लगाता हूं, लगाता हूं इसके पे, तो ये जो है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी मालिक्यूल तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे इस फ्लूड में उसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे मैं आपको सिखाऊंगा यहां पे इस पॉइंट पे एक तो कौन सा प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ दिस फ्लूड प्रेशर ऑफ द यहां पे इस पॉइंट पे जरूर एक प्रेशर होगा फ्लूड प्रेशर एट द पॉइंट ए प्रेशर ऑफ फ्लूड एट पॉइंट ए एक तो होगा इस फ्लूड का प्रेशर क्यों इस पे डेफिनेटली प्रेशर एक होगा ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी तो इसमें प्रेशर जनरेट हो जाएगा दूसरा क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इस पॉइंट पी ए पर कितने प्रेशर आगे दो एक तो अपना प्रेशर इस फ्लूड का प्रेशर इस पॉइंट ए पर इस पार्टिकल पर दूसरा इसका प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उसमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वही कहता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है द एक्शनल प्रेशर एग्ज सरफेसर लॉ पास लॉ इज कॉल्ड लॉ टिबिलिटी इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक लॉ तो आपको याद रखना चाहिए क्या है लॉ ऑफ ट्रांसमिसबिल जिसमें एक्शनल प्रेशर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहां पर देखो आप पूरा इसमें भी इसमें भी इसमें भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में इसके बाद क्या है हमारे पास हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक टेल्स अबाउट द प्रेशर एट ए पर्टिकुलर इन डेफ मतलब हमारे पास इस तरह से सॉरी यहां पे यहां पे मैं एक ये लेता हूं मैंने कोई पार्टिकल कंसिडर किया इस डेफ में मैंने इस इन दिस डेफ्त मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया मुझे इस सिर्फ इस पार्टिकल ये जो डेफ्त में पार्टिकल है नॉट एट द फ्री सर्फिस बट इस डेफ्त में मुझे जो पार्टिकल है मुझे उसका प्रेशर जानना होगा वो किसे में किस लॉ के थ्रू में उसको मेजर कर सकता हूँ हाइड्रोस्टार्टिक ला

वेट डेंसिटी किसके बराबर होता है वेट डेंसिटी रो जी एच या रो जी जड वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी जड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वही है वेट डेंसिटी इसने क्या कहा जितना जिस रेट से हम प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ऊपर से जिस रेट से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वर्टिकली वर्टिकली जिस रेड से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वो किसके बराबर होगा इस वेट डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूड की ऊपर से प्रेशर होगा वेट डेंसिटी किसके बराबर रो जी एच या रो जी जड रो जी जड या रो जी एच जड क्या है प्रेशर हेड या हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस तो यहां पे मैं एच या आप याद तो रखोगे या एच या जड एक ही बात है फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने पॉइंट कंसिडर किया हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फ्री फ्री सरफेस जहां से प्रेशर लग गया या ये इस फ्री सरफेस से इस पॉइंट तक इस पॉइंट तक जो मैंने डेफ्थ में कंसिडर किया इससे यहां तक इस फ्री सरफेस तक कितनी हाइट है इसकी उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कॉलम या कॉलम हाइट और प्रेशर हेड प्रेशर हेड जड आई होप आपको समझ आ गया एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लॉ अगर हम इसको ये जो हमारे पास इज इक्वल टू रो जी एच अगर हम इसको इसको रो जी एच डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जड क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जड तो वो क्या बनेगा यहां पे डी पी बाई डी जड विद रेस्पेक्ट टू जड किया मैंने इसको पी पी का क्या हो जाएगा डी पी बाई डी जड हमने विद रेस्पेक्ट टू पी नहीं किया बट विद रेस्पेक्ट टू जेड डी पी बाय डी जेड इज इक्वल टू रो जी बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट डी बाई डी जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड ये क्या बनीगा वन विद रेस्पेक्ट टू जेड क्या बनेगा वन इसीलिए बन गया रो जी उसी को किसके बराबर लिया गामा के बराबर ये कभी कभार आंसर दिया जाता है माइनस गामा में भी तो वो भी करेक्ट है क्यों ये डेप्थ में जा रहा है पॉजिटिव लिखो या डेप्थ में जा रहा है नेगेटिव लिखो कोई बात नहीं आई होप आपको ये समझ आ गया कोई भी डाउट हो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट बॉक्स और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाजत नए वीडियोज तक अल्लाह हाफिज़